ला ऐसे करके, अब इसको थोड़ा से, अब इसको जितना पीटेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे करके इसको जितना पीटे, फूल के निकला एकदम बड़ा सा गुल्लू जी अली, मस्त ऐसे लग रहा है कि दुकान वाला भटोरा है। देखिए हमारा छोला और ये देखिए हमारा भटोरा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देख सकते हैं लोग इतना बदमाशी कर रहे हैं आज। देखिए बस शेर से मिल लीजिए, देखिए कितना बदमाशी हो ना बेटा। हाय नहीं करेगा गुल्लू? गुल्लू गिर गया, देखो गुल्लू गिर गया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अपने उठ जाता है बेटा। हाय कर दो, हाय कर दो। इधर इधर मुंह में क्या लिया है? चॉकलेट लिया है। मौसी सिखा रहा है चॉकलेट खाओ, ये खाओ। ये जो खाती है ना वो उसको ला के दे देता है, वो खाता है। वो चॉकलेट नहीं खाता आज तक, आप देखेंगे उसको चॉकलेट नहीं खिलाता। गुल्लू गुल्लू तो गए छुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों का घर पे बनेगा, क्या बनेगा नंदनी? छोला भटूरा दोस्तों। छोले भटूरे बनेंगे, वो भी सबके लिए नाश्ते, वो भी स्पेशल नाश्ता है तो स्पेशल नाश्ता है। देखिए अगर नंदनी कैसे बनाती है छोले भटूरे, तो पहली बार बना रही है ना, फर्स्ट टाइम बना रही है नंदनी दोस्तों। बेटा उसका सुन लीजिए, मम्मा बेटा कर रहे दोनों। चलिए दोस्तों, अभी तो हम नंदनी अभी तैयारी करिए, प्याज जो आज काट रही है, और छोला कहाँ है? तो वो चना इसमें उबाल दिया है। उबाल भी दिया है तो हमारा छोला उबाल दिया गया है, मतलब पहले इसको फूलने दी थी ना, फुला कर एक पाव लाया था उसमें दो फुला कर फिर रहने दिए, उसके बाद सीटी लगा दी इसको, 3 से 4 सीटी लगा दी, एक दो आलू दे दिए बस। चलिए दोस्तों, अभी तो प्याज व्याज काटती है, ये मिलता है। आलू फ्राई हो रहा है हमारा और प्याज भी कट गया है। पहले नंदनी छोले बनाएगी ना, छोले बनाएंगे उसके बाद तो बनाएंगे दोस्तों। हमारा काबली चना है, इससे बनेगा हमारा छोला, और आलू भी डालेगी नंदनी बोरी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। देख गुल्लू गैस चालू कर, अरे इंजीनियर बनेगा, बहुत बन रहा है, देखिए लगता है उसको बहुत काम आता है। देख रहे हैं ये लो। तो देखिए दोस्तों, भटूरा मतलब छोला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आगे हमको, इसमें मेन बात फोरन क्या पड़ता है, उसी में तो टेस्ट आता है। फोरन तो मेन इससे हमको तो गुल्लू से, गुल्लू को ले जाके खिलाओ, जाओ लेके जाके उसको खिलाओ, इसको ही मारता है गुल्लू, इसको बहुत मारता है इसलिए इसका साथ वो लगा हुआ है काम में। अब पहले फोरन डाल रही है नंदनी, गुल्लू का मतलब गुल्लू का हटा दिया, नहीं छिट्टा उठा ला, गाड़ी लेके आओ ना गाड़ी के साथ। हाँ गुल्लू को गाड़ी मिलने के, गाड़ी लेके आओ, गाड़ी में बैठा देंगे, अपने बैठे रहेगा आराम से। तो इंजीनियर बन रहा था, करना जलाने की कोशिश कर रहा। सबसे पहले जीरा, जीरा जाओ जाओ गुल्लू जाओ, छोटा मसाला पहले डालेंगे। देखो देखो देखो, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, उसका मन उजाड़ खेलेगा। नहीं तो देख सकते हैं जीरा हमारा अच्छा तरह से हो गया है। गोटा घर कुछ मसाले हैं खड़े, वो भी दे देते हैं। तेज पत्ता 4 दे दिए हैं और एक सूखा मिर्चा दे दिए हैं। बस फोरन में इतना चीज लगता है हमारा। इसको फ्राई करेगी नंदनी, ये हो गया थोड़ा बढ़िया से भून लेगी भटोरा में। तेल कितना प्याज रहेंगे, इतना नहीं देंगे, इतना रहने देते। इसमें क्या होता है ना, भटोरा में कच्चा प्याज खाने से टेस्ट लगता है, इसलिए मैं प्याज और अचार भी रखेंगे। ये प्याज रख देते हैं अलग से, इसको हल्का ब्राउन भूज लेते हैं। और देख सकते हैं मसाला में क्या क्या लिए हैं, हरी मिर्च है और लहसुन है और प्याज, मतलब पेस्ट के लिए, ग्रेवी बनने के लिए। अब बाकी जो हमारा छोला मसाला तो है ही, टमाटर भी है और धनिया, और धनिया गोल के जीरा पीसा हुआ है, तो इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं आगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्याज ब्राउन हो गया, तो इसमें हल्दी नमक दे दिए अपने हिसाब से। और ये देखिए हमारा जो मसाला है ना, लहसुन अदरक, अदरक नहीं लहसुन मिर्चा और प्याज का पेस्ट है, इसको दे देते हैं भूनने के लिए। अच्छी तरह से भुना जाता है, अब इसमें पड़ेगा, देख सकते हैं यह है
गोलकी जी रहा है दोस्तों। बेटा मामा देखिए इसमें धनिया है, इतना धनिया दे दिए। अब ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची है दोस्तों, देख सकते हैं। ओहो ओहो बेटा आ रहा है, रुको ना रुको रुको। अब ये टमाटर जो कटे हुए हैं ये भी दे देते हैं, इसमें साथ साथ में दोनों भुंजा जाएंगे। ये देखिए इसको भी अच्छी तरह से भूंज लेते हैं दोनों को, सब जितने मसाले दिए हुए हैं सभी को अच्छी तरह से भूंज लेते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर जो हमारा छोला डलाएगा, देख सकते हैं दोस्तों हमारा तो मसाला भुंजा गया है। अब छोला दे दिए हैं, छोला देने के बाद देख सकते कितना अच्छा से हमारा भुंजा रहा है, देख सकते कितना अच्छा से भुंजा गया है। अब जो बचा है हमारा ये तो हमारा तो दे दिए है चना, जो हमारा छोला है ना आराम से बन चुका है। अब इसमें हम आलू भी दे दिए हैं, देख सकते हैं देखिए आलू भी अच्छी तरह से भुंजा रहा है हमारा। अब इसमें जो हमारा मीट मसाला वो देंगे दोस्तों, ये देखिए इतना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में भी टेस्टी लग रहा है। इसको चलिए 5 मिनट भूज लेते हैं हम। देख सकते हैं दोस्तों हमारा तो सब्जी कितना अच्छा से हो गया है, ये हमारा छोला मसाला है दोस्तों। इसको नहीं देंगे तो मज़ा ही नहीं कुछ आएगा दोस्तों। ये देखिए ये हम पूरा छोला मसाला दे देंगे दोस्तों, एक पैकेट पूरा दे देंगे, क्यों इसी का ही है दोस्तों। और ये देखिए धनिया पत्ता है तो आगे इसको हम डबकने देते हैं, जब तक डबकेगा उसके बाद ये देखिए सोचिए इतना अच्छा सेंट आ रहा था, अब इसको डबकने देते हैं दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली हमारा सब्जी हो गया है, देख सकते हैं इतनी अच्छी तरह से खदक गया है। ये देखिए इतना तो ग्रेवी रह गई दोस्तों, और इसमें अब ये जो धनिया पत्ता पड़ेगा, ये देखिए इतना स्वादिष्ट लग रहा है ना। देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया। अब इसको मिला देते हैं, अब मिलाकर इसको गैस को बंद कर देते हैं ढक करके। तो दोस्तों हमारा तो सब्जी इतना अच्छा से बन गया है, अब जा रहे हैं बटोरा बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बटोरा कैसे बनता है तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों आधा किलो मैदा मंगाए थे, इसमें से हम लग रहा है एक पाव से बेसी थोड़ा बनाएंगे, क्यों हमारे इतने बहन हैं। और थोड़ा सा हम अपने पापा के लिए भी लेके जाएंगे दोस्तों, बनाएंगे अपने हाथों से तो अपने पापा को भी तो खिलाना है मेरे को। और ये देखिए ये है क्या कहा है आटा, सिंघाड़ा आटा है दोस्तों, देख सकते हैं ये सिंघाड़ा आटा भी पड़ेगा इस पाव में। ये देखिए सिंघाड़ा आटा, इसको ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस थोड़ा थोड़ा देना है। ये देखिए इसमें नमक उमक कुछ भी नहीं देना है, बस सिर्फ इसको हल्का सा ऑयल देंगे। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं, हल्का सा ऑयल देंगे बस, और कुछ इसको दोनों को फेंट लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए तब तो हमारा भटूरा अच्छा से बनेगा दोस्तों। ये कुछ मतलब हम देखे थे, किसी को देखे नहीं थे, बस हम सोचे कैसे बनते हैं। तो वो मतलब एक छोले दुकान में गए थे ना, तो अंकल बोले कि इसमें ना एक चीज़ पड़ता जो आप लोग ख़राब कर देते हैं। वो बोले क्या बोलते, आप लोग यूट्यूब में देख के बनाते इसलिए तो आप भटूरा ठीक से नहीं बनता, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देना, बस सिर्फ मैदा देना है और सिंघाड़ा का आटा देना उसी में। तो देख सकते हैं अब इसको हम हल्का हल्का पानी देके इसको जितना पीटेंगे मतलब जितना अच्छी तरह से सानेंगे उतना अच्छा से हमारा भटूरा
बनेगा। तो देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से सानते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको ऐसे सना है। अब इसको जितना पीटेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे करके इसको जितना पीटेंगे उतना अच्छा बनेगा हमारा भटोरा। इसको ऐसे ऐसे पीटेंगे पूरा। और बोले थे ना कि जितना इसको अच्छा तरह से पिटाएगा उतना अच्छा भटोरा बनेगा। इसमें हम दही वही कुछ नहीं दिए, सिंपल से बन रहा है। ये देखिए पूरा बन चुका है, देख सकते सना गया है। अब इसमें थोड़ा से ऑयल एक देंगे, देखिए ऐसे ऐसे करके कि नरम हो जाएगा। ये देखिए ला, देखिए ऐसे करके अब इसको थोड़ा से ढक देंगे। तो इसको 10 मिनट तक रहने देंगे दोस्तों। और इधर कढ़ाई गरम, तेल तो सबसे बड़ा हीट करना रहता, तो सबसे ज़्यादा हीट करेंगे तेल। तो चलिए अब गुल्लू मेरे साथ में परेशान है अलग से, देखिए कढ़ाई लेके घूम रहा है। देखिए और चूल्हा में नहीं बनेगा आज खाना, चूल्हा नहीं खाना, तोड़ दो कढ़ाई। माँ भी भिखमंगा है, भिखमंगा बना दो तुम लोग। चलो ला जल्दी कढ़ाई छोड़ दो, मम्मी दे दो। ये देख जल गया, ला जल्दी ला। हाँ अब इसको छूना भी मत गलती से, ना तो जल जाएगा। देखिए अरे पकाइए तो खाना। इसको आगे दोस्तों तेल को गर्म करना, तेल देख रहे इससे परेशान है ये अलग ही नमूना। अरे जल जाएगा, पका ले लिया। तो दोस्तों हम आगे तेल गरम करना है हमको, तो सबसे ज़्यादा हीट होगा ना तेल सबसे ज़्यादा। जब तक हीट नहीं होगा जब तक छोला अच्छा बनेगा, मतलब भटोरा अच्छा बनेगा ही नहीं। इसमें हम आगे तेल देंगे। तो ये ना पहले का तेल है, तो इसको क्या करें यूज कर लेते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा ना। तो छछनी लेके अब हुआ तो ननी देखिए पूरा तैयार कर लिए भटोरा। लंबा था एकदम, आटा हमारा बहुत सॉफ्ट था इसीलिए इतना अच्छा बन के निकला। देखिए गरम तेल भी धुआं देने लग गया। अब तेल में डाली नंदिनी, आज पहला छोला भटूरा नंदिनी बना रही है। जल्दी जल्दी जल्दी, यह देखिए दोस्तों इतना अच्छा फूल रहा है भटूरा। जल्दी करो, आज एक नंबर हुआ। पास हो गए दोस्तों, आपने देखा ना एक नंबर बन गया है। चलो अब निकालो, हो गया ज़्यादा नहीं, इसको खर कर दें। देखिए दोस्तों इतना सुंदर बनाई नंदिनी छोला भटूरा, एकदम फूल के निकला एकदम बड़ा सा। गुल्लू जी ये लीजिए, आपके लिए छोला भटूरा बन गया है। चलिए दोस्तों तो मत, अभी छोला खाएगा भटूरा खाएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन के निकला दोस्तों। आप लोग देखिए सकते कितना सुंदर इनका मेहनत, देखिए रंग लाया है क्या नंदिनी। गुल्लू को लेके जाओ, गुल्लू को साइड को नहीं आते, यहाँ पर नहीं रखो गुल्लू को। खाना देंगे गुल्लू को, देंगे बेटा देंगे। कटोरी लेके आगे गुल्लू, उसको चाहिए जैसी देखा बन गया तो मस्त है ना, एकदम एकदम सही परफेक्ट बना है दोस्तों, एकदम परफेक्ट। देखिए दोस्तों ऐसे करना है, कैसे कैसे बना रही बेल बेल के नंदिनी, और फिर हाथ पे पूरा थापती है पूरा बढ़िया से। ये यार देखिए स्टेज टान टान के लंबा कर रही है ऐसे लंबा। सोचिए हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं, सिंघाड़ा का आटा और बस थोड़ा सा तेल डाले था हम लोग, देखे। तो दोस्तों ये भटूरा हमारा देख सकते बन गया है। दो भटूरा और दो छोटी वाली बहन मेरी खा रही है, तो सबको गरम गरम ही खिलाना है। तो दोस्तों आगे आप लोग खा लीजिए, मेरी बहन लोग खा रही है। देखिए हमारा छोला और ये देखिए हमारा भटूरा। तो खा आपका बेटा बोल लीजिएगा, देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा सा हमारा भटोरा बन के निकल रहा है, एकदम फुला फुला एकदम गोलगप्पे की तरह। अभी सभी को ऐसे बनाना है दोस्तों। हमारी छोटी बहन खा लिया, बची है अंजलि, तो अंजलि के लिए बन गया है। तो अब अंजलि खाएगी, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे धीरे धीरे, क्यों आगे एक एक ही बनेगा तब। तो गरम गरम खाने में मज़ा कुछ और है दोस्तों, आप लोग भी आगे खा लीजिए दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों नंदिनी तो पूरा अच्छी तरह से बना लिए और थोड़ा सा बचा हुआ है, और बाकी देखिए सबको खिला दिए नंदिनी दोनों बहन को, बस हम ही लोग बचे हैं। तभी नंदिनी बनाएगी और गरम गरम ही खा पाएगी तो अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और नंदिनी तो बनाने में बिजी है दोस्तों, बन भी रहा है एकदम मस्त, ऐसा लग रहा है कि पूरा दुकान वाला भटो रहा है। देख लीजिए पूरा एकदम मस्त गोल गोल ऐसा भटोरा, तो पता नहीं नंदिनी फर्स्ट
फर्स्ट बार बनाई है, फर्स्ट बार में ही इतना मस्त बना है नंदिनी का भटूरा। पास हो गया नंदिनी, पास हो गई दोस्तों। हर चीज में नंदिनी पास ही होती है, फेल नहीं होती। हमारा ये देखिए, ये शेर सिंह ना बहुत परेशान कर रहा है मेरा। शेर सिंह नहीं नंबर मारते नहीं, प्यार से करते, तभी ये बदमाशी करता है। खेलने में बिजी डॉक्टर। हमारा छोला भटूरा बन ही रहा है, चलिए पूरा बना के नंदिनी आपसे मिलती है। चलिए दोस्तों, हमारा बन के पूरा रेडी हो गया है, तो खा लीजिए दोस्तों छोला भटूरा और अचार और प्याज। गरम गरम तो ये लोग खाए दोस्तों, हम लोग क्या हुआ कि सबको खिला लिया, खाना पड़ रहा दोस्तों, क्या करें, फिर भी अच्छे ही गर्मी है। कैसा लगा अंजलि? कैसा लगा? कहा एक नंबर, उधर जाके कोना में खा रही हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी अपना खाते हैं, देखते कैसा है। लीजिए दोस्तों आगे, आप लोग खा लीजिए। मेरा देखो उधर, तेरा देखो कितकर ठीक है, उधर लीजिए खा लीजिए आगे। उसके बाद खा के देखिए, प्याज और थोड़ा सा अचार, कैसा लगा? तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी। खा रहे दोस्तों, बहुत मस्त बना। गुलू देख कितना परेशान हो रहा है। चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा हमारा छोला भटूरा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, और हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।